कैसे 90s की डोमेस्टिक क्रिकेट का हीरो बना इंडियन टीम का बॉलिंग कोच। दिस इज डे 18 ऑफ 19 डेज 19 वर्ल्ड कप हीरोज एंड देयर अनटोल्ड स्टोरी। आज की कहानी है इंडिया के बॉलिंग कोच पारस मामरे की। उन्होंने अपने 1994 के रणजी डेब्यू में 30 विकेट लिए थे। पारस ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज में किया था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने कारण इन्हें इंडियन टीम में दोबारा चांस नहीं मिला। लेकिन इनका लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर बहुत अच्छा था, इसलिए इन्होंने 2003 में लेवल 3 की कोचिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया। इसके बाद कुछ साल आईपीएल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग करने के बाद नवंबर 2021 में इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच अपॉइंट किया गया।